करनाल के इंद्री हलके के खेड़ी मानसिंह गांव के राम मेहर संधु छत्तीसगढ़ के सुकमा में दुश्मनों से लड़ते हुए 24 अप्रैल 2017 को शहीद हो गए थे। शहीद की इस शहादत पर पूरे गांव को फक्र है, वहीं परिजन भी शहीद पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन शहीद के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियां अब बूढ़े कंधों पर आ गई हैं। एक ओर शहादत पर गर्व है, वहीं गांव को थोड़ा सा मलाल इसलिए भी है कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई भी सहायता नहीं मिली है। वहीं घर में कोई भी अवसर हो तो शहीद की याद में परिजनों की आंखें छलक उठती हैं। राम मेहर की शहादत के बाद सरकार ने 50 लाख रुपए व गांव में खेल स्टेडियम, गांव का मेन द्वार व राम मेहर के एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई थी, जिसमें सरकार ने 50 लाख की राशि व बच्चे को नौकरी देने का काम पूरा कर दिया। लेकिन गांव में अभी तक स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है। वहीं पर मेन द्वारा मेन द्वार का कार्य भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। अगस्त 2017 में एक ईंट शहीद के नाम का कार्यक्रम चंडीगढ़ से शुरू हुआ था, जिसमें शहीद राम मेहर का स्मारक स्थल के रूप में गांव में अखाड़े का निर्माण करवाया गया था। लेकिन वह अखाड़ा भी अभी तक अधूरा पड़ा है, क्योंकि अखाड़े में सभी प्रकार की जो सुविधाएं होनी चाहिए वह सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई है। राम मेहर के पिता, चाचा एवं ग्रामीणों का कहना है कि राम मेहर की शहादत पर पूरे गांव को नाज है, लेकिन सरकार ने जो घोषणा की थी वह घोषणा आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है। विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक इस बारे में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक खेल स्टेडियम का निर्माण होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण वासियों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि सरकार को इस प्रकार की घोषणाएं या तो करनी नहीं चाहिए, यदि वह करती है तो उसको पूरा अवश्य करना चाहिए। इंद्री से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। नाम अमित कुमार है और मैं यहाँ पे कुश्ती खेलने आता हूँ। यहाँ पर यह श्री राम मेहर सिंह की याद में यह अखाड़ा बनाया गया था, जो कि खेड़ी मान सिंह में है। और हमारे यहाँ सरकार ने बहुत से वादे किए थे जो कि अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ ना तो स्टेडियम है जिसपे कुछ बच्चे रेस मार सके, और ना ही स्टेडियम है जिसपे बच्चे रेस मार सकें। और सरकार ने हमारी कुछ मांगों को पूर्ण नहीं किया है। और जो यहाँ पर पटड़ी है जिस पर रेस मारते हैं, वह भी सड़क बनने वाली है उस पर भी, जिसके कारण बच्चों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे खेलते हैं उन्हें नहीं पूरी तरह से सहयोग मिल पा रहा है सरकार का, और अगर सहयोग मिले तो वह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बन सकेंगे और भविष्य में उनका नाम, अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर सकेंगे। तो जो वादे किए थे सरकार ने, उनमें से कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं? जी, सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से बहुत कमी पूरे हुए हैं। तो क्या क्या हुआ आप उसके? एक तो सर ये खाड़ा बना है उनकी याद में जो राम मेरो थे ना, तो सरकार ने एक तो ये खाड़ा बनवाया था, और एक उनके वहाँ मूर्ति बनी है राम मेहर सिंह की। बाकी जो सरकार ने हमें स्टेडियम दिया था बनने के लिए, वो स्टेडियम अभी तक नहीं हमें नहीं मिला है। तो घोषणा अधूरी है। हाँ जी, आपका नाम? आशीष संधू भाई। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जो जैसे राम वीर मतलब हमारे चाचा जी लगते हैं, तो वो देश के लिए शहीद हुए हैं, देश का नाम रोशन किया है, बट हमारे लिए यहाँ पर उसके नाम का कुछ नहीं हो रहा। उसके नाम के गेट था, गेट भी अभी कम से कम 3-4 साल हो गया तक बन ही रहा वो। एक उसके नाम की सरकार ने घोषणा की थी कि स्टेडियम होएगा बच्चों के नाम का, बच्चों के नाम के रोजगार होगा, बट यहाँ पर अखाड़े के नाम के भी प्लेयर तैयार नहीं हो रहे अभी। और जब प्लेयर यहाँ में बच्चे नहीं आएंगे तो मेडल नहीं आएंगे, इसलिए फिर यहाँ तो मेन तो स्टेडियम की है ना, ना सरकार हमें सहयोग दे रही है। सहयोग देगी तो हम भी ऊंचे लेवल पर जा सकते हैं, स्टेट खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे, तभी तो पदक आए ना। मेरा नाम राजेश कुमार है जी, और राम मेहर सिंह की शहादत में स्टेडियम के लिए मांग करी थी गाँव वालों ने, उसकी बहुत जरूरत है गाँव में जी, और ना ही मतलब कोई उसका सामान है जी, वेट लिफ्टिंग का या कोई मतलब जो भी जिम के लिए, दोनों मांगा करी थी उन मध्य स्टेडियम नहीं पूरा कर रहे जी, बिल्कुल जरूरत है जी उसकी। बाकी खाड़े में भी सामान की कमी है जी, जिम के सामान की वो भी कोई कोच कुछ भी है यहाँ पे? नहीं, कोच तो जी पहलवान है जी, राम मेहर सिंह का भाई है जी, अच्छी कुश्ती करा जी और कोचिंग भी देगा बच्चों के। और यहाँ जो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनमें से काफ़ी सर्विस पर भी लग गए, मेरे ख्याल से 15-20 बच्चे सर्विस पर लग गए जी वहाँ जाकर तैयारी करने के बाद। अब सामान की दिक्कत है जी। तो सरकार से क्या मांग है आपकी जी?
सरकार से ही मांग है जी, अगर स्टेडियम होगा तो बच्चे जाएंगे जी वहाँ, नशे पत्ते से भी दूर रहेंगे जी और तैयारी मारेंगे आपका जी आने वाले भविष्य के लिए, स्टेडियम बहुत जरूरी है जी। तो यहाँ से कितने लड़के आर्मी में गए हुए हैं? यहाँ से जी कम से कम 25-30 के करीब है जी। तो और भी कुछ लड़के नए भी तैयार हो रहे हैं? हाँ जी, नए अभी गए जी 3 लड़के, अभी मतलब पिछले महीने नए गए जी 3 लड़के और जी, और आगे भी तैयारी मार रहे जी लड़के। आपका नाम? पूर्ण चंद। हाँ जी, जो मामला मांगा था अभी इसके बारे में, गेट मांगा था, एक तो स्टेडियम मांगा था, गेट भी हमने बहुत धक्के से बनवाया यू 5 साल निकल के, और स्टेडियम का सारा रेगुलेशन बन कर जाए या कोई स्टेडियम का कोई गौर नहीं करी गवर्नमेंट से, हम गए भी कहीं पर कोई गौर नहीं करी, विभाग का देखो भी आवागम महल्ले को ही इस पर बुलाओगे गेट पर, इस पर देखो जो स्टेडियम देगा के कुछ देगा ना देगा, वो उसकी मर्जी है, हम बहुत गए बड़े फिरे। किस किस को मिले आप? हम डीसी पर भी गए, खट्टर से भी गए, खट्टर से कई बार मिले, 3-4 फिर अप्लीकेशन दिए पीछा, कई फिर मिले हम, अंदरी भी मिले, अरदौर भी जाएगा मिले इससे, बाकी माँ नहीं गए वहाँ करेंगे करेंगे कुछ होया नहीं, मतलब स्टेडियम के बारे में कुछ नहीं होया। हाँ, और कुछ और कुछ उन्होंने जो कहा था वो मांगे पूरी हुई हैं, और इसके अलावा भी कुछ कहा था? नहीं जी, बस और तो यही थी, बस भाई लड़का लगा दिया जी, हमारा लड़का लगवाने खाते कई जी, बस वो लगा दिया, नौकरी पर रख गया, लग गया डीसी ऑफिस में लग गया, पक्का लग गया, बाकी मैं स्टेडियम मारा बनना रह रहा, स्टेडियम के यहाँ पर हमने रेजुलेशन भी करके बचा रखा हमारी पंचायत में, उसके बारे में स्टेडियम के बारे में कोई गौर नहीं हो रही। तो अब बच्चों का जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है? अब बच्चे ठीक है जी, अपना उन्हें भी नौकरी मिल रही, उन्हें भी बाकी माँ बच्चा भी ठीक है, लड़की पढ़ जाए, बाकी माँ तो परिवार सुखा लेते हैं। तो लड़का उनका जो लड़का है वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? वो तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे ख्याल में BA में हो। अच्छा, ड्यूटी कर रहे ड्यूटी। और लड़की? लड़की 11वीं में। 11वीं में? हाँ जी, लड़की 11वीं में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।